ब्रेकिंग न्यूज, कुशीनगर। कुशीनगर जिले के थाना तुरुपट्टी क्षेत्र में पकड़े गए नेपाली मुस्लिम धर्म के प्रचारकों का सैंपल परीक्षण पाया गया निगेटिव। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले में दिनांक 15/4/2020 को चेकिंग के दौरान 11 मुस्लिम व्यक्तियों को थाना तुरुपट्टी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था, जिनसे पूछताछ कर पता लगा कि 10 व्यक्ति नेपाल व 1 व्यक्ति बिहार का रहने वाला है। कई समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर इन्हें जमाती कहकर समाचार प्रकाशित किए गए हैं, जबकि इन व्यक्तियों का इस जमात में सम्मिलित होना नहीं पाया गया है, किंतु जमाती शब्द के प्रयोग से आम जनता में भय एवं घबराहट उत्पन्न होने की आशंका के दृष्टिगत जनहित में यह स्पष्ट जानकारी होना आवश्यक है कि इस जनपद में नेपाल मूल के गिरफ्तार व्यक्तियों में से कोई जमात में संबंधित नहीं पाया गया है। कब्जे में लिए गए सभी 11 नेपाली नागरिकों का सैंपल परीक्षण का परिणाम प्राप्त हो चुका है, जो कि नेगेटिव है, और सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। ये बातें कुशीनगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्रा ने बताई। हिंदुस्तान न्यूज 24 चैनल से प्रमोद पांडे, ब्यूरो चीफ मंडल गोरखपुर की रिपोर्ट। जनपद कुशीनगर में नेपाल मूल के रहने वाले 10 लोग और एक व्यक्ति बिहार का परसों पुलिस को तुरुपट्टी पुलिस को मिले थे, जिनके विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और उन्हें आइसोलेट करके उनके सैंपल लिए गए थे। कोरोना वायरस परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव पाई गई है और उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। अभी आज काफ़ी समाचार पत्रों में और कुछ सोशल मीडिया में मैंने देखा कि पत्रकार बंधुओं ने इन्हें जमाती कहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये किसी जमात से संबंधित लोग नहीं हैं, और जमाती शब्द से काफ़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, और यदि कोई तथ्य संदेहास्पद है, किसी तथ्य को लेकर मन में कोई भ्रम है, तो मेरा अनुरोध है कि कृपया पुलिस का आधिकारिक वर्जन अवश्य ले लें और पुलिस अपनी छानबीन, अपनी सभी तथ्यों की सत्यापन करने के पश्चात ही अपनी रिपोर्ट जारी करती है, प्रेस वक्तव्य जारी होता है। इसलिए कृपया उसका अवश्य अवलोकन कर लें और इस तरह के शब्द का प्रयोग न करें जिससे आम जनता में दहशत पैदा हो, आम जनता में घबराहट और भ्रम का वातावरण पैदा हो। धन्यवाद।